वेलकम फ्रेंड्स, जो मैंने नया लैपटॉप ख़रीदा है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जिसका नाम है HP Pavilion 15DK2100TX। इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर क्या क्या विशेषता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, HP Pavilion Gaming 11th जनरेशन इंटेल कोर i5 15.6 इंच का लैपटॉप है और फुल HD गेमिंग लैपटॉप है ये। इसके अंदर 8GB रैम है और 256GB SSD और 1TB हार्ड डिस्क के साथ में ये आता है। इसके अंदर जो रिफ्रेश रेट है 144Hz की है और GTX 1650 4GB का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर लगा हुआ है और विंडो 10 इनबिल्ट आता है और MS ऑफिस लाइफ टाइम आपको फ्री मिलेगा। तो देखते हैं इसका एक ओवरव्यू। और तो ये है इस HP Pavilion लैपटॉप का बॉक्स और इसको करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। ठीक है, ये जो लैपटॉप है वो मुझे अमेजन के द्वारा प्राप्त हुआ है और यहाँ से इसकी जो प्राइस है वो देख सकते हैं बॉक्स पे 70,000 लगभग लिखी हुई है और मुझे इसका जो प्राइस है वो 70,000 में ये पड़ा है। और हो सकती है अब जो ये प्राइस है वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो इसकी प्राइस है वो घटी हो या बढ़ी हो। ठीक है, तो करता हूँ मैं जल्दी से इसको अनबॉक्स ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और इसको देखते हैं कि ऑल ओवर ये कैसा दिखता है। तो चलिए, ये हो गया लैपटॉप बाहर और ये इस लैपटॉप के साथ में मुझे मिला है एक चार्जर और इसकी यूजर गाइड। बाकी इसके साथ में कुछ नहीं है। 70,000 के अंदर सिर्फ दो ही कह सकते हैं, लैपटॉप और चार्जर। ठीक है, तो ये है लैपटॉप। देखिए, देख सकते हैं आप इस लैपटॉप को जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर है और इस लैपटॉप को पूरा हम ऑन करके देखेंगे कि किस टाइप से ये ऑन होता है और इसकी बूटिंग स्पीड वगैरह क्या है। तो देखिए ये लैपटॉप है वो पूरी तरह से चारों तरफ घुमा के देखते हैं एक बार कि किस ढंग से ये लैपटॉप है वो दिखता है। ये देखिए, लैपटॉप मैंने ओपन किया और यहाँ से पीछे लिखा हुआ है Pavilion, जो मार्क किया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये है इसे इसके पीछे का लुक जो आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो चार्जर मिला है वो है काफ़ी स्लिम है और इसकी जो दिखने में सुंदर है वो ये 150 वोट का चार्जर है। ठीक है, अब इसको करते हैं ओपन। मैं यहाँ से एक हैंड से इसको ओपन कर रहा हूँ और वन हैंड से ये इजीली ओपन हो रहा है। इसका जो वेट का अनुपात है वो सही है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लैपटॉप होते हैं जिसको दो हाथ से ओपन करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही हम एक हैंड से ओपन करने का प्रयास करते हैं तो वो लैपटॉप साथ साथ में ऊपर होने लगता है। तो ये लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका। देखिए, कीबोर्ड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसका जो कीबोर्ड है वो पर्पल कलर में दिख रहा है और इसके बैकग्राउंड में पर्पल कलर, और जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो ये काफ़ी लाइटिंग वगैरह अच्छी होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर जो ये HP का लोगो लगा हुआ है देखिए, और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम है स्टूडेंट और इंटेल कोर i5 जनरेशन का है और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो है NVIDIA का GeForce GTX। ठीक है, और 144Hz की इसकी जो रिफ्रेश रेट है वो लिखा हुई है, सभी स्पष्ट रूप से देखिए। ठीक है, अब इसको करते हैं ऑन ताकि आपको पता चले कि इस लैपटॉप की स्पीड है बूटिंग स्पीड किस टाइप की होगी। तो देखिए, मैंने ऑन कर दिया है और ऑन होते ही इसके जो स्विच ऑन में भी लाइट लगती है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है, और ये ऑन हो रहा है। देखिए, इसके अंदर ये ऑन हो गया। यहाँ पे मैंने सभी सेटअप करके रखा है ताकि आपका टाइम है वो वेस्ट नहीं हो। ये बूटिंग काफ़ी जल्दी हुई है इसकी, लगभग 5-6 सेकेंड में ही हो गई है। और इस ढंग से इसका जो सॉफ्टवेयर है वो मैंने सभी इंस्टॉल कर दी है इसके अंदर, तो इसकी बूटिंग स्पीड है वो ऑल ओवर अच्छी है और स्पीड के मामले में इसको आप कमियां नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये है लैपटॉप। देखिए, इसका कीबोर्ड है वो लाइटिंग काफ़ी अच्छी लगती है। इसको एक बार प्रेस करते हैं तो फुल लाइटिंग लगती है, फिर दूसरी बार प्रेस करते हैं तो कम हो जाती है, और तीसरी बार करते हैं तो इसकी लाइटिंग पूरी तरह से बंद हो जाती है। तो ये कीबोर्ड काफ़ी अच्छा है, कीबोर्ड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शट डाउन है वो किस स्पीड के साथ में होता है। तो करता हूँ मैं यहाँ पर स्टार्ट पर जाके करते हैं इसको शट डाउन। ठीक है, तो शट डाउन जैसे ही कर गया, देखिए ये शट डाउन हो गया और कुछ ही सेकंड में शट डाउन ख़त्म। ठीक है, तो ये है ऑल ओवर इसका ओवरव्यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।